बॉलीवुड संगीत के बॉस यानी कि पंचम दा। 27 जून सन 1949 को सचिन देव बर्मन और मीरा देव बर्मन को ये बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल देव बर्मन। राहुल के माता पिता दोनों ही संगीत से जुड़े थे और पिता एसडी बर्मन एक लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर रहे। ये किस्सा मशहूर है कि इनका नाम पंचम कैसे पड़ा। दरअसल एक बार एसडी बर्मन हारमोनियम पर कोई धुन निकाल रहे थे और तभी उन्होंने सुना कि उनका बेटा सरगम के 5वें सुर पे रो रहा है और तभी से उनका नाम पंचम रख दिया गया और वो बन गए हमारे प्यारे पंचमदा। आर डी बर्मन का जन्म कोलकाता में हुआ था और शुरुआती पढ़ाई भी कोलकाता के सेंट जेवियर स्कूल में ही हुई। जब पंचम मात्र 9 साल के थे तब उन्होंने एक धुन बनाई थी जिसे बाद में उनके पिता ने एक गाने में इस्तेमाल किया था। पंचमदा ने उस्ताद अली अकबर खां की शागिर्दी में सरोद सीखा और समता प्रसाद से तबला सीखा। एस डी बर्मन ये भी चाहते थे कि उनका बेटा हर तरह का इंस्ट्रूमेंट प्ले करना जाने और इसी वजह से पंचमदा ने बहुत सारे वाद्य बजाने सीखे। धीरे धीरे आर डी बर्मन अपने पिता को असिस्ट करने लगे, चाहे वो फिल्म कागज के फूल रही हो, चलती का नाम गाड़ी रही हो या फिर तेरे घर के सामने। आर डी बर्मन को पहला ब्रेक दिया लेजेंडरी एक्टर महमूद ने। फिल्म थी छोटे नवाब, साल 1961। महमूद साहब की ही भूत बंगला में पंचमदा ने एक्टिंग भी की थी, पर सही मायनों में असली सफलता आर डी बर्मन के जीवन में आई जब शमी कपूर की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए उन्होंने संगीत दिया। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने प्रोड्यूसर नासिर हुसैन को पंचम का नाम रिकमेंड किया था। तीसरी मंजिल के बाद आर डी बर्मन ने पलट के नहीं देखा, चाहे वो फिल्म यादों की बारात रही हो या फिर नमक हराम रही हो, मेरे जीवन साथी या फिर घर। आर डी बर्मन ने राजेश खन्ना के लिए जबरदस्त संगीत दिया और वो तमाम गाने किशोर कुमार ने ही गाए। आर डी बर्मन सिर्फ संगीत ही नहीं देते थे या फिर ऑर्केस्ट्रा में हारमोनिका ही नहीं प्ले करते थे, बल्कि वो खुद बहुत अच्छा गाते थे और अक्सर फिल्मों में उनकी आवाज को इस्तेमाल किया गया, चाहे वो शोले का महबूबा महबूबा हो या शान का यम्मा यम्मा। अगर हम राहुल देव बर्मन के निजी जीवन की तरफ रुख करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी पहली वाइफ का नाम था रीटा पटेल, पर ये शादी ज्यादा वक्त चल ना सकी और सन 1971 में रीटा पटेल और आर डी बर्मन का तलाक भी हो गया। सन 1980 में आर डी बर्मन और आशा भोसले ने एक दूसरे से शादी की और ये म्यूजिकल शादी बहुत ही हिट रही। वो और बात है कि एक दौर ऐसा भी था जब इन दोनों के बीच में भी कड़वाहटें बढ़ गई थीं, पर शायद संगीत ही एक ऐसी डोर रही जिसने इन दोनों को बांधे रखा। इसी बीच एक ऐसा दौर भी आया जब बहुत से लोगों ने आर डी बर्मन का साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि फिल्म राम लखन के लिए आर डी बर्मन का नाम अनाउंस किया गया था और उन्हें बिना बताए फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने वो पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दे दी। इस बात से आर डी बर्मन को खासी चोट लगी। प्रोड्यूसर नासिर हुसैन, जिन्होंने पंचमदा को फिल्म तीसरी मंजिल में ब्रेक दिया था, वो भी नए म्यूजिक डायरेक्टर की तरफ बढ़ गए और फिल्म कयामत से कयामत तक आर डी बर्मन को नहीं दी गई। ये जरूर कहा जा सकता है कि एक दौर ऐसा रहा जब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोग उनका साथ छोड़ रहे थे, पर उनका संगीत उनका साथ निभा रहा था। आर डी बर्मन को सिर्फ 3 बार बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, वो भी फिल्म सनम तेरी कसम, मासूम और 1995 में 1942 अ लव स्टोरी के लिए। 4 जनवरी सन 1994 को दिल का दौरा पड़ने से आर डी बर्मन ये दुनिया छोड़कर चले गए। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ एक पंचम था और हमेशा एक ही पंचम रहेगा।